के एकीकरण में कुछ खास प्रांतों में ही उनकी भूमिका की चर्चा होती है। लक्षद्वीप जैसी छोटी जगह के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस बात को लोग शायद ही याद करते। आप भली भांति जानते हैं कि लक्षद्वीप कुछ द्वीपों का समूह है, यह भारत के सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में से एक है। 1947 भारत विभाजन के तुरंत बाद हमारे पड़ोसी की नजर लक्षद्वीप पर थी और उसने अपने झंडे के साथ जहाज भेजा था। सरदार पटेल को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने बगैर समय गंवाए, जरा भी देर किए बिना तुरंत कठोर कार्रवाई शुरू कर दी। उन्होंने मुदलियार ब्रदर्स आरकोट रामास्वामी मुदलियार और आरकोट लक्ष्मण स्वामी मुदलियार से कहा कि वह त्रावणकोर के लोगों के साथ लेकर तुरंत कुछ करें और वहां तिरंगा फहरा दें। लक्षद्वीप पर तिरंगा पहला फहरना चाहिए। उनके आदेश के फौरन बाद वहां तिरंगा फहराया गया और लक्षद्वीप पर कब्जा करने के पड़ोसी के हर मंसूबे देखते ही देखते ध्वस्त कर दिए। इस घटना के बाद सरदार पटेल ने मुदलियार ब्रदर्स से कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करें कि लक्षद्वीप को विकास के लिए हर जरूरी मदद मिले। आज लक्षद्वीप भारत की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह एक Bye.
சூடானது 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 ரத்தம் போராடுது 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 சித்தம் வீராதம் 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 சத்தம் சூடானது 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 யுத்தம் சூடானது 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 ரத்தம் போராடுது 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 சித்தம் வீராதம் 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 சத்தம் கொத்து பறை கொத்து பறை கொத்து பறை கொட்டு ரத்தச்சிறு 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 வெட்டு கொட்டப்பகை 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 வெட்டு துட்டச்சியல் 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 கட்டு செருவேட்டலை பேசிடு பட்டத்து